हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमृताज किचन। कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी नमकीन रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है, और बारिशों के मौसम में तो उसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पंजाबी मठरी की रेसिपी, जिसको हम पंजाबी में मट्ठी भी बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट बनाना बताती हूँ, क्योंकि बारिशों के मौसम में गर्म गर्म चाय कॉफ़ी के साथ मट्ठी हो तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मट्ठी बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, मैंने 2 कप मैदा लिया हुआ है रिफाइंड फ्लोर। आप इसको नोट करते जाइएगा मैं कितना क्या डाल रही हूँ। अगर आपको सेम बनानी है मेरे जैसी तो उसी हिसाब से आप लिखते जाइएगा। मैंने डाला 2 कप मैदा रिफाइंड फ्लोर, 1 कप आटा, और ये देखिए 1/2 कप डालूंगी मैं बेसन ग्राम फ्लोर, और मैंने डाली है 1/4 कप सूजी। सूजी का तो आपको पता ही है अलग ही मज़ा आता है सूजी से। आपको देखिए खस्ता मट्ठी तो बन जाएगी हमारी, पर उसको हमें थोड़ा सा क्रिस्प भी रखना है, तो इसके लिए हम इस समय इसमें सूजी ऐड करते हैं। थोड़ा क्रिस्प बनती है, खस्ता बनती है। घी डालेंगे, रिफाइंड डालेंगे, सब कुछ मसाले डालेंगे। तो चलिए ये हमने 4 फ्लोर डाली है, मैदा डाला, आटा डाला, बेसन डाला और सूजी डाली। अब इसके बाद हम इसमें डालते हैं मसाले। अब मसाले भी देखते जाइएगा, मैं 1 बाय 1 डाल रही हूँ। सबसे पहले तो देखिए इसमें डालेगा सॉल्ट, मैं 1 स्पून सॉल्ट डाला है, बाकी आप टेस्ट के हिसाब से डालेंगे सॉल्ट। आपको नमक थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं तो नमक आप बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो घटा सकते हैं। इसके बाद 1 स्पून नमक डाला था, 1 स्पून ये धनिया पाउडर। वैसे तो देखिए इसमें कई बार दरदरा करके भी मैं स्पाइसेस डालते हैं, पर क्या होता है वो मुंह में आते हैं तो वो बच्चे या कई बार बड़े लोग भी पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने सारा जो यूज़ करते हैं घर में मसाला, मैं वो ही यूज़ कर रही हूँ जो एटलीस्ट कम से कम किसी के बच्चे होता है मुँह में आ रहा है, ये नहीं खाते वो नहीं खाते। तो मैंने कहा, और ये देखिए 1/2 स्पून मैं डालूँगी भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 स्पून डालूँगी ब्लैक पेपर, और 1/2 टीस्पून मैंने डाली है हींग। देखिए 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, और ये देखिए हमने डाली है 1 छोटा स्पून ये अजवाइन डाली है। और इसमें आप डालना चाहें तो जीरा भी डाल सकते हैं, पर मैंने अजवाइन डाली है तो मैं एक ही चीज का फ्लेवर रखूंगी क्योंकि दोनों। और इसमें डालेंगे 1/4 स्पून गरम मसाला। ये इसमें सारे सूखे मसाले भी डल गए हैं। अब इसमें, अब मैंने आपको बताया कि जीरा नहीं डाला मैंने साबुत, मैंने उसकी जगह भुना जीरा डाला था। अब इसमें आती है बारी घी डालने की, है ना। तो इसमें मैंने अराउंड देखिए 250 ग्राम्स अराउंड इसमें जलेगा देसी घी, और इसमें मैं डालूंगी अभी देखिए खस्ता बनानी है ना, तो अराउंड 150 ग्राम डाल देंगे हम रिफाइंड फ्लोर। अब हमने मलना है इसका, इसके बाद आटा। पहले हम इसको आटे को अच्छे से घी में और इसी में अच्छे से कर लेंगे, पानी नहीं डालेंगे। पानी में हम बाद में जितनी ज़रूरत होगी इसको अच्छे से, ये देखिए यूं करते करते, क्योंकि मट्ठी खस्ता मट्ठी बनानी है हमने, तो ये देखिए इसको घी से ही करना है हमने पहले। देखिए इस तरीके से हम मट्ठी को करते हैं। देखिए हमारा ये अच्छे से घी से हो गया, इसकी एक निशानी देखिए, आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए बन रहा है, ये देखिए। अब हम इसके बाद इसमें पानी डालना शुरू करेंगे, और आप वही कहेंगे कि मोन के लिए देसी घी की जगह हम थोड़ा पूरा हमने देसी घी क्यों नहीं डाला, रिफाइंड फ्लोर क्यों डाला है, इसलिए क्योंकि देसी घी से तो बहुत खस्ता आता है, उससे हो जाती है मट्ठी, पर रिफाइंड जो है वो थोड़ा सा क्रिस्पी भी कर देता है ये मट्ठी को, तो इसलिए हम थोड़ा सा साथ में रिफाइंड भी यूज़ करते हैं। देखिए हमने देसी घी ज़्यादा यूज़ किया है और रिफाइंड कम यूज़ किया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंथ लेंगे, और आटा ध्यान रखना है आपको बहुत कम थोड़ा थोड़ा पानी डालना, आटा सख्त गूंदना है मट्ठी का, मुलायम आटा नहीं गूंदना है। एक बार में ज़्यादा पानी डल गया तो सारा गड़बड़ हो जाएगा आपका, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से इसका हम आटा गूंदेंगे। देखिए हमारा आटा हो गया है, ये आटा इस तरीके से रहेगा टूटा टूटा, क्योंकि ये रोटी की तरह आटा नहीं बनेगा क्योंकि ये खस्ता आटा है। इसको बस हमने अच्छे से इस तरीके से कर दिया, और अभी इसमें सूजी भी फूल रही है, तो हमारे ये आटा इस तरीके से मल के
इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ऊपर कि ये सूखे ना, और इसके बाद कवर करके हम 20 मिनट अराउंड इसको हम आटे को छोड़ देंगे, क्योंकि अभी सूजी फूलेगी। इसके बाद हम कपड़े से कवर करके इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद मट्ठी बनाना स्टार्ट करेंगे। पानी देखिए इसमें मेरा लगा है केवल 1/4 कप ऑयल के बाद, जितना मैंने आपको बताया था घी और रिफाइंड, उसके बाद केवल 1/4 कप पानी डाला है। तो पानी उतना ही डालें जितनी ज़रूरत हो। चलिए अब हम ये 15-20 मिनट हो जाए उसके बाद मट्ठी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए 15-20 मिनट हो गए हैं, अब इसको आटा हम चेक कर लेते हैं एक बारी। इसको एक बार हम दोबारा फिर अच्छे से इसको मल लेंगे। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, खस्ता है आटे, रोटी वाले आटे की तरह नहीं होगा। इसको इस तरह से एक बार हम अच्छे से और मलेंगे, क्योंकि हमारी सूजी फूल गई होगी इसमें, उसको भी अच्छे से सारा सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इसमें इतने स्पाइसेस जो डले हैं, जैसे इस मौसम में कोल्ड होने, कोल्ड की फ्लू की प्रॉब्लम हो जाती है, कफ की, तो उस समय ये इसमें जो स्पाइसेस डले हैं वो बहुत ही, वैसे भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। गर्म करके ये मट्ठी खाइए आप, बच्चों को दे दीजिए, बच्चे खेल रहे हैं पढ़ रहे हैं, बच्चों को गर्म करके मट्ठी दे दीजिए। तो इसका ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसकी चलिए मठियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे की चलिए हम एक एक करके गोले या पेड़ियाँ जो भी आप बोलते हैं उसको बना लेते हैं। अब साइज़ आपके ऊपर है, आप कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। ये देखिए इस साइज़ का बना लीजिए, मीडियम, ना बहुत बड़ा बनाते हैं ना बहुत छोटा। इस तरीके से हम सारी इस आटे की बना के रख लेते हैं, फिर एक ही बार मैं मट्ठी आपको बता दूंगी कि आप कैसे करें, इस मट्ठी को करना कैसे। ये देखिए इस टाइप से सारी मैं बना लेती हूँ। देखिए हमारे लोइयाँ बन गई हैं, जिसको पेड़े भी कह सकते हैं। अब ये 25 से 30 बन गई हैं, थोड़ा बहुत साइज़ का फ़र्क होगा उस हिसाब से 25 से 30 बन जाएंगी। अब हमने इसको बेलना कैसे है, आप चाहें तो चकले बेलन से भी बेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या एक तरीका मैं ये आपको बता रही हूँ, देखिए ये लिया गोला, इसको एक बार प्रेस कर दीजिए अच्छे से। ये देखिए ये हो गया, और फिर चारों तरफ से इसको, ये देखिए इसको प्रेस कर दीजिए इस तरीके से। ये देखिए आपकी बस इतना ही, इसको बहुत पतला हमने नहीं करना है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ही खस्ता है बेलन से करेंगे तो वो साइड से थोड़ा सा टूटने का डर रहता है, तो इसलिए इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारी एक हो गई है, इसी तरीके से हम दूसरी कर लेते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये हैं लोइयाँ, इनको ढक के रखिएगा। अभी मैं आपको फटाफट बता रही हूँ, इसलिए खुली है। जितनी आप बना रहे हैं उतना बाहर रखिए, बाकी उसको कवर कर दीजिए, नहीं तो वो ड्राई हो जाती है और वो एकदम से बनेगा नहीं। और ये देखिए, और जो बिलती जा रही हैं उसको भी आप साइड में कवर करके रखिए। ये देखिए एक और मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये इसको दबाया, ये देखिए ये चारों कोनों से, ये देखिए ये क्यों, क्योंकि इस मट्ठी को बहुत पतला नहीं करना। ये हमारी देखिए बिल्कुल तैयार हो गई, ये देखिए ये हमारी मट्ठी बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसको हमने गैस ऑन कर दिया, इसी तरीके से मैं सारी कर लेती हूँ। उधर मैंने गैस ऑन कर दिए, तलने लायक हो जाती है, तो फिर चलिए मैं एक लॉट तो डाल देती हूँ तलने के लिए। देखिए हमने इतनी मठियाँ तैयार कर ली हैं, अब इसको हम पहले तलने रखते थे, साथ साथ बाकी की बनाते रहेंगे। अब हम इसमें करना क्या, एक फोक लेना है। वैसे तो इन मसाला मठियों में खस्ता हाथ से दबाया है तो ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं कर देती हूँ, एक तो और खस्ता बनेगी। अब फोक से इनको यूँ करके, सॉरी तो टूट गई, चलिए छोड़ देते हैं उसको, ठीक कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से फोक से आप, ये देखिए जितना कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा कर देते हैं, तो घी भी नहीं भरता। ये देखिए इस तरीके से हम सभी मठियों में कर लेंगे। अब हमने ऑयल गरम हो गए, चलिए अब हम इस वाले को तलने के लिए डाल देते हैं। हमने ऑयल भी गरम होने रख दिया था, इसको एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। हमें बहुत गरम ऑयल नहीं यूज़ करना है अभी, पहले स्टार्टिंग में मीडियम हाई होना चाहिए। ये देखिए हम एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे, ये देखिए एकदम से ऊपर आ गया बिल्कुल, देखिए आपको पता चल जाएगा। हम देखिए ऐसे, देखिए हाँ ऑयल गरम है। अब इसके बाद चले ये हमने डाल दिया था, इसके बाद हम ये साथ साथ ये डालना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए
जितनी बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है ये खस्ता मटकी बनी है, तो ये ज़्यादा डालेंगे तो हिलाने से टूटेगी फिर। तो इसको हम एक बार में आटा टाइम उतनी ही डालेंगे जितनी है कि आपको लग रहा है कि आराम से डल जाएगी और टूटेगी नहीं। ही डालते हैं एक बार में, अब बस कर देते हैं बाकी नेक्स्ट लॉट में। अब इस टाइम पे हमने फ्लेम को मीडियम हाई से थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, थोड़ा और कम कर देंगे और इसको आराम से होने देंगे और अभी हिलाएंगे नहीं इसको। एक तरफ से जब मट्टी पक जाएंगी उसके बाद हम इसको पलटेंगे, अभी नहीं पलटना है। मट्टी से एक तरफ से स्टिफ हो जाए, पक्की हो जाए, तब हम इसको पलटेंगे। देखिए अब हमारी एक साइड से होने लगी है, देखिए खुद ही पलट, देखिए अब आराम से हम इजीली पलट सकते हैं। एक एक बार हम इनको पलट देंगे, देखिए अब ये देखिए टूटेंगी भी नहीं, ये देखिए इस तरीके से एक बार। और अब हम मीडियम को स्लो फ्लेम पे कर देंगे और इनको आराम से अभी 3 से 4 मिनट में होने देती हूँ, उसके बाद चलिए चेक करते हैं। देखिए 3-4 मिनट हो गए हैं, अब इस टाइम पे हम इनको हल्का सा फिर एक एक बारी पलट लेंगे और मट्ठी लगभग हमारी तैयार होने को है, तो हम इसको देखते रहेंगे साथ के साथ, बिल्कुल ज़्यादा ना हो जाए कि इसका टेस्ट ख़राब हो जाए। बस ये देखिए अब इसी तरह से एक बार पलट लिया हमने सबको, अब इसको देखते रहेंगे और 1 से 2 मिनट में मुझे लग रहा है हमारी मट्ठी बिल्कुल निकालने वाली हो रही है। इनको हमने छोड़ दिया है, अब देखिए मैंने अगला लॉट भी तैयार करके रख लिया है बेल के, ये हो जाए तो मैं उनको तल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी मट्ठी बिल्कुल रेडी हो गई है निकालने के लिए, ये देखिए हम इनको फटाफट निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर। ये देखिए हम इस तरीके से इसको निकालते चले जाते हैं सारी मट्ठियों को, और इस बात का ध्यान रखेंगे इसको गरम गरम खाने की कोशिश मत करिएगा, ये टूट जाएंगी। और क्योंकि अगर आप इस समय तोड़ेंगे भी तो भी बिल्कुल चूरा हो जाएगी, क्योंकि ये खस्ता है ना, इनको थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करने दीजिएगा, ठंडा हो जाए, ठंडा करके इसको फिर आप देखिए। फ्रेंड्स ये हमारी मैंने मट्ठी निकाली है, अब ये देखिए कितनी खस्ता मट्ठी, कितनी मसालेदार, और मैंने नेक्स्ट लॉट डाल दिया है तलने के लिए। अभी मैंने हिलाया नहीं है क्योंकि जब एक तरफ से बाहर आ जाएगी ऊपर घी के ऊपर आ जाएगी मट्ठी पूरी तरीके से, नीचे से पक जाएगी, तब मैं इसको पलटूंगी। चलिए अब ये वाली मट्ठी लॉट भी मैं तल लेती हूँ इसी तरीके से। देखिए मेरी सेकेंड लॉट की मट्ठियाँ भी देखिए बिल्कुल तैयार हो गई हैं, अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। चलिए देखिए हमारी मसाला मट्ठी बनके तैयार हो गई है, चलिए अब इसको हम सर्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी पंजाबी मसाला मट्ठियाँ बनके तैयार हो गई हैं, बिल्कुल देखिए कितनी खस्ता और क्रिस्पी लग रही हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।